सीईटी के द्वारा जो भर्ती होंगी, जो सरकार खुद नहीं कह रही है कि हम 50,000 भर्ती करेंगे, वो 50,000 भर्ती में 3% की क्वालिफाई है, 50 नंबर जनरल वाले और कैटेगरी के हैं उनके 40 और 45 नंबर। तो जब क्वालिफाई कराया गया था तो अब सरकार कह रही है कि हम तो सिर्फ 4 गुना लेंगे वैकेंसी के अगेंस्ट। अगर मान लो 1,000 वैकेंसी है, 5 लाख बालक सीईटी क्वालिफाई करते हैं, अरे 1,000 वैकेंसी है तो ये क्या कह रहे हैं, 1,000 प्लस गुणा 4 कर दो, 4,000 बालका, तो मतलब 4,96,000 बालका का सीईटी कूड़े में गया। यो कौन सा मतलब है भाई? अरे जब क्वालिफाई कर रखा है तो क्वालिफाई का मतलब तो क्वालिफाई है भाई। अगली कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें सबने मौका मिलना चाहिए टेस्ट देने का। फायदा क्या हुआ इस चीज का, क्या फायदा हुआ भाई? इतने लाखों बालकों ने पहली बात तो 3 साल तक धक्के खवाते रहे, लोगाएं खवाते रहे, ईब जाके सीट इन्होंने एग्जाम लिया, ग्रुप सी का ए बी का लिया, अभी डी का लिया भी नहीं है। अगर सीटी क्वालिफाई नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। 1,000 वैकेंसी निकाल ली, 4,000 बालकों ने बुलाओगे, 1,000 लाग गए, फिर 1,000 वैकेंसी मान लो काट दी, 2,000 काट दी तो 8,000 ने बुला लेंगे, तो भी जो 4,90,000 वाला की जाएंगे, सबको मौका क्यों नहीं भाई? और ये बात मैं कुछ नहीं कह रहा अपनी ओर से, सीईटी में खेल कोटे की है, कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है। अरे जब 50,000 वैकेंसी हम एक भी नहीं हरियाणा में, तो खिलाड़ियां का हरियाणा 453 डिपार्टमेंट है, मैं अपने जानकारी दे दूं, 453 टोटल डिपार्टमेंट जिसके सीटी के तहत जहां पर भर्तियां होनी है, 453 ये डिपार्टमेंट है। लेकिन सीटी क्वालिफाई करो मुख्यमंत्री साहब, सुन लियो इस बात ने। और हम ये क्वालिफाई इसलिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो 4 गुना बुलाएं। इस सरकार का मुख्यमंत्री समेत कोई भी मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री तो खैर 10वीं फेल हो तो क्वालिफाई नहीं कर रही, मैं बैठे नहीं सकता पेपर में, कोई भी क्वालिफाई कर दो मान जाएंगे भाई हम, सीईटी का पेपर नकल करके कुंजी खुलासा लेकर कर दो, और बताओ नकल मार के कर दो क्वालिफाई। अरे क्यों बालका की ऐसी तैसी करने लग रहे हो? हरियाणा के अंदर 11 लाख बालका ने सीईटी का फॉर्म भरा। अरे मुख्यमंत्री जब हम यह बात रुक के मार के कहते ना, इतने लाख बालक बेरोजगार हैं, मुख्यमंत्री साहब कह रहे नहीं 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 2-3 लाख है, 5 लाख तो वैकेंसी है हरियाणा के अंदर खाली, 5 लाख वैकेंसी थोड़ी ना होती है, 1.5 लाख तो ठेके पे ला रखे हैं वे बेचारे। अरे जितनी वैकेंसी खाली है उनने तो भर दो कम से कम, एकली एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 वैकेंसी खाली है, एकली 25,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में खाली है, हेल्थ डिपार्टमेंट में 20,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, ये तो मोटे मोटे डिपार्टमेंट बता रहा हूं मैं आपको। सेंटर हैं सब तेन गूंत के करोगे भाई, थारे कोचिंग भी बंद होने सेंटर जब नौकरी ना मिल रही, तो थारे ये खाडेर अकेडमी भी बंद हो जाएगी जब बड़का नौकरियां नहीं मिल रही, खिलाड़ियों ने नौकरियां नहीं मिल रही, क्या फायदा है? तो 11 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होकर शनिवार 3 दिसंबर ने बीजेपी का राज्य कार्यालय है उसका घेराव करेंगे, रूढ़े दंगल करवाएंगे। और ये इसलिए जरूरी है, हम सबको इसलिए कह रहे हैं ये बात, सोनीपत है, सोनीपत खिलाड़ियों का गढ़ है, और हम तो पूरे हरियाणा के खिलाड़ी और पूरे हरियाणा के जो सीईटी के लिए बालक अप्लाई कर रहे हैं उनको सबको ये कह रहे हैं उस दिन रोहतक पहुंचो, और नहीं तो अगर जाकर तो नहीं लग रहे तब न या सरकार परमानेंट घर बैठाओगी, या तो सड़क पर आ जाइयो और ना तो परमानेंट सड़क पर रखेगी, ये बता रहा हूं। तो ये मामला भाई साहब